जो पूजा कराने वाला आदमी है वो शराब पीता है, वो मांस खाता है, अनेक प्रकार की बात करता है। पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम अंबेडकर के साथ है, हिंदू बनकर भी 75 साल गुलाम रहे। उनसे जब पूछा गया कि मोकामा व गोपालगंज उपचुनाव में अनुसूचित जाति का झुकाव किस ओर रहा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हिंदू बनकर 75 साल से आज तक हम गुलाम बने चले आ रहे हैं। अब उनका हिंदू कार्ड नहीं चलेगा, जाति के नाम पर हमारे साथ लंबे समय भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम मनुवादियों का विरोध करते हैं और अंबेडकर के साथ हैं, उन्हीं के बताए रास्ते को आगे लेकर चल रहे हैं। हमारे यहाँ पंडित ठीक से पूजा नहीं कराता है, खाना नहीं खाता, जो पूजा कराता है वे शराब पीता है और मांस खाता है, ऐसे पंडितों का हम विरोध करते हैं। ये बातें गांव-गांव प्रचारित हो रही है। ये बयान पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने शुक्रवार की दोपहर अपने आवास पर दिया है। इसके अलावा उन्होंने मोकामा व गोपालगंज में हुए उपचुनाव में महागठबंधन की जीत होने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमें कंफर्म विश्वास है कि दोनों जगहों से महागठबंधन की जीत पक्की है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव प्रचार में अपने पैरों की समस्या की वजह से शामिल नहीं हो सका, लेकिन हमारा लड़का संतोष मांझी जो हम का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मोकामा गया था और गांव-गांव घूमा था। इस मौके पर उन्होंने लगे हाथ मुख्यमंत्री के बारे में कहा कि नीतीश चोट की वजह से चुनाव प्रचार में नहीं गए, उनकी जान बच गई, यही बड़ी बात है। उन्हें पेट में चोट आई है जिसकी वजह से वह चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो सके। वहीं एक बार उन्होंने अंबेडकर जयंती के एक कार्यक्रम में कहा था कि राम भगवान थोड़ी ही थे, वो तो तुलसीदास और वाल्मीकि रामायण के पात्र थे। रामायण में बहुत सी अच्छी बातें लिखी है, इसीलिए हम उसे मानते हैं, पर राम को नहीं जानते। उन्होंने आगे कहा कि पूजा पाठ करने से कोई बड़ा नहीं होता है, अनुसूचित जाति के लोगों को पूजा पाठ करना बंद कर देना चाहिए। जो ब्राह्मण मांस खाते हैं और शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, उनसे पूजा पाठ नहीं कराना चाहिए। शबरी के जूठे बेर को राम ने खाया था, आज हम लोगों के यहाँ कोई खाना खाकर दिखाए। सवर्ण और उच्च जाति के लोग भारत के मूल निवासी नहीं है, वो बाहरी है। इससे पहले भी बिहार के पूर्व सीएम और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीताराम मांझी ने शराबबंदी को लेकर अजीबोगरीब बयान दे चुके हैं। उन्होंने बगहा में कहा था कि डीएम एसपी से लेकर विधायक और मंत्री तक शराब पीते हैं, उन्हें तो कोई गिरफ्तार नहीं करता। मांझी ने यह भी कहा था कि दवा के रूप में थोड़ी थोड़ी शराब लेना गलत नहीं है। नहीं, वो तो अलग है, बनाने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन हम लोग तो प्रयास यही करते हैं कि हिंदू बनकर के आज तक 75 साल हुआ गुलाम बने हुए हो, जात पात ऊंच नीच के नाम पर भेद है, पूजा पाठ में भी भेद है, तुम्हारे यहाँ पंडित खाता नहीं है, पूजा भी ठीक से नहीं कराता है, जो पूजा कराने वाला आदमी है वो शराब पीता है, वो मांस खाता है, अनेक प्रकार की बात करता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको पूजा नहीं कराना चाहिए। ये बात हम लोग प्रचारित कर रहे हैं और ये गांव-गांव बात प्रचारित हो गई है, इसलिए उनका जो हिंदू कार्ड है वो नहीं चलेगा। हम लोग सब मनुवादियों का विरोध करते हैं, हम लोग सब अंबेडकर जी के साथ हैं, अंबेडकर जी ने रास्ता दिया था, उस रास्ता को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।